हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यूअर कैन आस्क टू यू फॉर 3D मॉडलिंग जॉब। आप देखते होंगे आपको 3D मॉड्यूलर की जॉब के लिए बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स आती होगी और आप अप्लाई करते होंगे और आप वहाँ जाते हो और आप वहाँ पर सिलेक्शन आपका नहीं होता है। उसका मेन रीज़न क्या होता है, वही इस बार इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उसका सबसे पहला रीजन ये है कि आपको समझना पड़ेगा 3D मॉडलिंग में होता क्या है। 3D मॉडलिंग मींस आपको बाहर का ऐसा व्यू दिखाना है, अगर एक्सटीरियर मॉड्यूलर हो तो आपको ऐसा व्यू दिखाना पड़ेगा जो व्यू लोगों के लिए एकदम नया अपीयरेंस हो, नया एकदम हो, उसका एस्थेटिक व्यू बहुत ही लुकली होना चाहिए, बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए। इंटीरियर है तो वो भी बहुत ही अलग टाइप का दिखना चाहिए, कुछ एंटीक करना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से वो डिजाइन लोगों को पसंद आए। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, आप जाते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, दैट इज योर पोर्टफोलियो। दोस्तों, आप इंस्टीट्यूट वगैरह में सीखते हो कुछ और सीखने के बाद थोड़ा बहुत बनाते भी हो, लेकिन आपको लगता है कि 2-3 मॉडल बनाना दैट इज इनफ, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप 40 से 50 मॉडल नहीं बनाते हो, मॉडल बनाने की बढ़ गई नहीं है, मॉडल तो हर कोई बना सकता है, उसको रेंडर करना है, उसमें लाइट लगाना, लगा के जब आप देखते हो तो आपको वो कैसा दिखता है, ऐसे कम से कम 10 मॉडल जो सबसे बेहतरीन आप बना सकते हो, उनको वर्ड में कन्वर्ट करके PDF से अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करो अच्छा सा। जब आप पोर्टफोलियो के साथ जाते हो तो वहां पे आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो जाते हो, आपकी जॉब लगने की चांसेस कंपेयर टू अदर 20% बढ़ जाता है। सोचो 20% वेटेज किसका मिल रहा है, एक पोर्टफोलियो का 20% मिलेगा आपके व्यू को, मतलब आप कैसे सोचते हो एज अ 3D मॉड्यूलर, उसका एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलो कि सर मुझे यूनिक चीजें करना, एंटिक चीजें करना अच्छा लगता है, तो ऐसे में सामने वाले को लगता है ओके, ये कुछ अलग बनाएगा, कुछ अलग डिजाइनिंग करेगा, तो डेफिनेटली वो आपको प्रीफर करते हैं। तीसरी चीज है, आप जो सॉफ्टवेयर सीखते हो प्लीज उस सॉफ्टवेयर को डीप में सीखना। अगर मैं बात करूँ रेबिट की, तो आपको पता होना चाहिए रेबिट में व्हाट इज द यूज ऑफ सो सेफ हैंडल कमांड। आप बोलोगे सर इसका यूज क्या होता है, चलिए मैं आपको आंसर भी करते जाता हूँ। तो सो सेफ हैंडल कमांड होता है कि अगर आपको 10 फीट की वॉल है, उसमें से 8 फीट तक आपको टाइल लगाना है, 2 फीट पे टाइल नहीं लगाना है, तो वो आप सो सेफ हैंडल कमांड के थ्रू कर सकते हो। मैंने अपने रेबिट सीरीज में बताया हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। रेबिट सीख रहे हो, आपको रेबिट की सारी फाइल फॉर्मेट्स पता होना चाहिए, रेबिट फैमिली टेम्पलेट RFT, रेबिट फैमिली, रेबिट नॉर्मल, रेबिट .RBT, ये सारे फैमिली आपको पता होने चाहिए। रेबिट सीख रहे हो तो आपको रेबिट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेबिट फैमिली का यूज, रेबिट फैमिली में कितने टेम्पलेट्स बनते हैं, कौन कौन से चीज बना सकते हो, रेबिट फैमिली में पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, क्लियर अच्छे से आना चाहिए। रेबिट फैमिली पे सबसे ज्यादा ओपनिंग होती है रेबिट में, हमेशा याद रखना। और काफी लोगों को लगता है नहीं, रेबिट हमने सीख लिया है, रेबिट फैमिली सीखा नहीं, उसकी तो जरूरत नहीं है, वो तो अलग से, नहीं भाई, रेबिट फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू रेबिट, ठीक है, रेबिट का ही पार्ट है, बट रेबिट फैमिली को ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। रेबिट फैमिली के साथ जब आप रेबिट पढ़ते हो तो रेबिट में आपको प्रॉपर्टीज, सेक्शन, कॉल आउट, अब सेक्शन तो सबको पता होगा, एक वॉल को सेक्शन काटना, उसको आप देख लीजिएगा। कॉल आउट, कॉल आउट में क्या होता है कि आप पूरे बिल्डिंग का एक सेपरेट रूम ले लिया, उसकी डिजाइनिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल आउट। इसके साथ आपको शेड्यूलिंग बनाना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाकी लोगों को शेड्यूल बनाना नहीं आता है, मतलब शेड्यूल मींस बिल ऑफ क्वांटिटी, मतलब ब्रिक कितने लग रहा है, सीमेंट कितने लग रहा है, सैंड कितना लग रहा है, एस्टिमेशन Part 1, Part 2, Part 3 में मैंने पूरा डीप में समझाया हुआ है रेबिट पे, रेबिट एस्टिमेशन Part 1, Part 2, Part 3 आप देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा एस्टिमेशन समझ आ जाएगा। जब आप इनको डीप में समझते हो, लेवल्स को डीप में समझते हो, आपको GL टू PL हाइट अच्छे से पता है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना कंपेयर टू अदर लोगों को, आपका शॉर्ट लिस्ट होने का, आपका सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि GL टू PL क्या रखेंगे, PL टू वॉल क्या रखेंगे, वॉल में उसके बाद जो स्लैब होती है, स्लैब की थिकनेस क्या रखेंगे, पैरापिट वॉल की थिकनेस क्या रखेंगे, टाइप्स ऑफ रूफ कौन कौन से होते हैं हमारे रेबिट में, टाइप्स ऑफ रूफ नॉर्मल कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, इसके बारे में डीप में पढ़िए। डॉर्मर रूफ कहाँ पे यूज होता है,
डॉर्मर रूम के साथ मटेरियल्स किस तरीके से ले आके बना सकते हैं, मटेरियल्स का लुक कैसे कहीं सही कर सकते हैं, मटेरियल्स को स्केल कैसे कर सकते हैं, छोटा बड़ा ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों रैबिट में शॉर्टकट कीज कैसे बनाते हैं, पर्ज कमांड कैसे यूज करते हैं, डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, रूम का स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है, बाथरूम का स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है, बिल्डिंग बाय लॉ क्या होता है, रेरा एक्ट क्या होता है, जीरो एनर्जी बिल्डिंग क्या होती है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इनके बारे में जब आपको प्योर डिटेलिंग है दैट मीन कि सामने वाला बंदा एकदम टेंशन फ्री हो जाएगा, उसको लगेगा कि अगर आपको मैं हायर किया तो आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करके दोगे, चांस बढ़ गया ना आपको। तो प्लीज आप पहले तो पोर्टफोलियो बनाइए, पोर्टफोलियो के साथ जो भी सॉफ्टवेयर आपको मॉडलिंग का आता है उसका डीप नॉलेज लीजिए, बहुत जरूरी है डीप नॉलेज। उसके साथ साथ अगर आपको ये दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है, जब आप किसी को अपना रिज्यूम भेजते हो तो रिज्यूम के साथ वहां पे एक पोर्टफोलियो अटैच करो। अब ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई है कि डॉर्मर रूम क्या होता है, कॉल आउट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, इनके बारे में मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे बीच बीच में हर एक घंटे में कुछ न कुछ नया अपडेट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता चलता रहता है। रेरा एक्ट क्या होता है, रेरा एक्ट कौन से ईयर में आया है इंडिया में, इंडिया के कितने स्टेट में ये चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ। जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे उनको पता होगा कि यूनिक सिविल पे कुछ न कुछ हर घंटे नई स्किल्स आती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि एक मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊं जिसपे हम लोग इस तरीके के डिस्कशन करते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेफिनेटली हम लोग उसके बारे में भी विचार करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन पूछो कोई आंसर करे, आप क्वेश्चन पूछो कोई आंसर करे, हम लोगों का आपस में बातचीत होता रहेगा, और आपको कहीं भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि अगर आप मॉड्यूलर की जॉब करना चाहते हो तो अपना सॉफ्टवेयर स्किल्स बहुत ही अच्छा करो, उसके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बाय लॉ, रेरा, रूम साइजेस, स्टैंडर्ड डायमेंशंस, जीएल टू पीएल हाइट, स्टेयर के स्ट्रेट राइज, राइज कितना होता है 6 inches, स्ट्रेट कितना होता है 9 inches, विड्थ कितना होता है 3 feet, ये सब चीजें, ब्लस्टर्स क्या होता है। अब जो रेलिंग देखते हो तो रेलिंग में वो जो रेल होता है वो अलग होता है, अब इसको भी आप रेलिंग बोलते हो, जो रेलिंग रहता है वो रेलिंग नहीं होता, वो ब्लस्टर होता है, क्या होता है वो ब्लस्टर होता है। तो प्लीज उसके बारे में डीप नॉलेज लीजिए। तो जब इस तरीके से आप जाएंगे तो कहीं पे भी जाएंगे और इतनी तैयारी के साथ अगर जाओगे, मुझे नहीं लगता आप एज अ 3D मॉडलर नहीं चुने जाओगे। तो दोस्तों आपको जब नहीं पता होता कि ब्लस्टर क्या होता है, रेलिंग क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस ही नहीं पता है, तो उनके बीच में डिफरेंस वगैरह, जब आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको आ जाती है, वॉल का साइज, आपको आउटर वॉल का साइज क्या रखना है, इनर वॉल का साइज क्या रखना है, कई लोगों को तो पैरापिट वॉल के बारे में नहीं पता कि पैरापिट वॉल की हाइट क्या रखते हैं, कई लोगों से मैं पूछता हूँ कि कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्ट अप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्ट अप एरिया क्या होता है। भाई मॉड्यूलर बनने जा रहे हो तो ये तो जरूरत पड़ेगी ना आपको, तो प्लीज आपको कंफर्म होना चाहिए कि कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया मीन्स यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स, प्लस इनर वॉल्स, आउटर बिल्टअप एरिया क्या होता है, ओवरऑल हमारा जो भी एरिया हमको मिलता है जिसमें हमारा कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज हमारा बिल्टअप एरिया। और उसके बाद सुपर बिल्टअप क्या होता है, सुपर बिल्टअप के अंदर हमारे स्टेयरकेस, पार्किंग, लिफ्ट, एवरीथिंग इंक्लूड होता है, दैट इज सुपर बिल्टअप एरिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी यूनिक सिविल के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, साथ ही साथ और भी हम लोग मटेरियल डालते जाते हैं, तो प्लीज उसको ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी को बरकरार रख सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके ये छोटी छोटी चीजें आप हमसे जान सकते हो। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके जाइए, अगर आपने यहां तक देखा मीन्स आप डेली व्यूअर है हमारे, और सजेस्ट करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे मैं ऐसे ही आपको हर एक प्रोफाइल में कौन सी गलतियां आप करते हो उसके बारे में आपको बता सकूं। मैं ये सब आपको क्यों बता पाता हूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, जो कि मैं स्ट्रक्चर भी पढ़ाता हूं, आर्किटेक्चर भी पढ़ाता हूं, ड्राफ्टिंग भी पढ़ाता हूं, तो मुझे कई चीजों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको देखता हूं तो आपसे शेयर करना चाहता हूं। और भी ज्यादा आपको चाहिए कि और मैं किसी प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, उस प्रोफाइल के बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।